नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। एमपी में मोदी राहुल का 50-50 फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी ने जितने नए चेहरों को मौका उतने पुरानों पर भरोसा जिताया है। तो वहीं छिंदवाड़ा में बीजेपी का नया गेम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में क्या रणनीति है, आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कोई चौंकाने वाला चेहरा घोषित न कर फिर से चौंका दिया है। बची हुई 5 सीटों में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती थी, लेकिन वहां कमलनाथ के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके चेहरे को फिर मौका देकर नया गेम खेला है। विरोधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देना। चेहरा भले ही 44 साल के विवेक बंटी साहू हैं, लेकिन यहां पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दरअसल बुधवार को जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार और बालाघाट शामिल है। इसके साथ ही अब सभी 29 सीटों पर बीजेपी के चेहरे सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया गया है, जितने नए लगभग उतने ही पुराने। ऐसे में करीब 10 सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू, भिंड से फूल सिंह बरैया वर्सेस संध्या राय, टीकमगढ़ पंकज अहिरवार वर्सेस वीरेंद्र कुमार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा वर्सेस गणेश सिंह, सीधी कमलेश्वर पटेल वर्सेस डॉक्टर राजेश मिश्रा, मंडला ओमकार सिंह मरकाम वर्सेस फग्गन सिंह कुलस्ते, देवास राजेंद्र मालवीय वर्सेस महेंद्र सोलंकी, खरगोन पौरलाल खरते वर्सेस गजेंद्र सिंह, बैतूल रामू टैकाम वर्सेस दुर्गादास उइके। एससी के लिए रिजर्व 4 और एसटी की 6 सीटों के अलावा बाकी 29 सीटों में से 11 पर ओबीसी चेहरे उतारे हैं। ग्वालियर, सागर, गुना, सतना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, विदिशा, राजगढ़, खंडवा, होशंगाबाद और दमोह। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 55% से ज्यादा है। 27% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। बहरहाल बीजेपी ने 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 10 नामों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की तरह ही कुछ पुराने और नए चेहरों को मौका दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 19 के नतीजे रिपीट होंगे या फिर कांग्रेस पुराने जख्मों को भरकर 24 में नया इतिहास बनाएगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। सिंह यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हैं हमारे साथ और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण हैं। आप तीनों ही का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस कह रही है कि इस बार नया इतिहास बनाएंगे, बीजेपी ने जल्दबाजी में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम व्यक्ति से लेकर राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति सभी इस बात को जानते हैं कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के सभी 29 सीटों का समर्थन रहेगा। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास है, लगातार जिस तरह से प्रयास है, प्रत्येक बूथ पर 370 से ज्यादा वोट बढ़ाना, मध्य प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना और सभी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मतों के अंतर से जीत के लिए भारतीय जनता लेकिन पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतों के अंतर से कैसे जीतेंगे? आपकी पार्टी गिल भिंड से सांसद है संध्या राय, फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ग्रामीण उनसे कहते नजर आ रहे हैं कि सांसद महोदया, पिछले 5 साल से आप कहां थी, एक ही बार गांव में नहीं आए, आपने उन्हीं को फिर से प्रत्याशी बनाया है, कैसे जीत पाएगी बीजेपी वहां? देखिए, ये कई तरह के सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो प्रायोजित तरीके से बनवा दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की डर्टी ट्रिक्स है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और 10 सालों की जो उपलब्धियां हैं मोदी जी की गारंटी,
देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको मोदी जी की गारंटी से कहीं ना कहीं कोई लाभ ना मिला हो। प्रत्येक व्यक्ति को छूती हुई योजना है, यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा विजन है। आज देश में 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए, 80 करोड़ गरीबों को राशन दिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। तो मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इसका श्रेय किसे जाएगा फिर? देखिए, देश में महंगाई और बेरोजगारी जितनी बड़ी होगी उससे भी कहीं ज्यादा लोगों की आय के साधन और जो भी उनकी इनकम है वो बड़ी है। ये देश ने देखा है, देश कैसे बढ़ी है, वो इनकम कैसे बड़ी है बताइएगा आप। पर कैपिटल, अजय सिंह यादव जी बताइए, इनकम कैसे बढ़ी है, किसानों की इनकम कैसे बढ़ी है? आप इनकम बढ़ने की बात कर रहे हैं, किसानों पे तो भरमार एक के बाद एक मार पड़ती जा रही है किसानों पे। आपने लागत इतनी बढ़ा दी किसानों को, कुछ मुनाफा ही नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं कि किसान स्रोत बढ़ते जा रहे हैं, कमाई बढ़ती जा रही है। किसानों को कृषि कल्याण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों 6,000 रुपए साल के दे रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी में 125 रुपए का बोनस। किसानों की खेत का लागत पता है आपको अजय सिंह यादव जी? किसानों की खेत का जो लागत है, फसल बुआई की जो लागत है, पता है आपको? जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, गेहूं पे 1200 रुपए मिलता था और आज 2400 रुपए गेहूं खाद इस वक्त कितने रुपए का मिलता था? तो देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ किसानों को जो सुविधाएं मिली है, चाहे सिंचाई के साधन हो, बिजली के साधन हो, उससे किसानों की पैदावार में जितनी वृद्धि हुई है। आपकी सरकार में किसान के खाद के दाम दोगुने हो गए, जो किसान खेतों में खाद डालता उसके दाम दोगुने हो गए। आप ये देखिए कि पैदावार तो 5 गुनी हो गई है, जिस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली की सुविधा मिल रही है, किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है, किसान कल्याण के रूप में किसानों को कैश के रूप में राहत मिल रही है और साथ ही पैदावार खरीदी के जो दाम बढ़ रहे हैं तो उससे किसानों को लगातार लाभ मिले। तेंदुपत्ता में 300 रुपए प्रति बोरे अभी सरकार ने बोनस दिया है, तो ये ऐसी योजनाएं जिससे लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 4,600 करोड़ रुपए की राशि 1,30,00,000 बहनों को मिली है। हर्षद वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, जनता जानती है, जनता इन्हीं पे वोट करेगी। हर्षद वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, आशीष दुबे जी कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, उनके प्रत्याशियों को इतना समय मिल पाएगा कि वो फील्ड में घूम सके, लेकिन कांग्रेस अभी भी पिछड़ी हुई है, इसका कितना नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? अभी तो चूंकि चुनाव अनाउंस ही नहीं हुआ है तो ऐसी स्थितियां अभी नहीं कही जा सकती हैं कि, लेकिन चूंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से हारी है तो ऐसी स्थिति में उसको ये पहले करना चाहिए था कि वो अपने कैंडिडेट अनाउंस कर देती, या हो सकता है उसने अपने कुछ कैंडिडेट को इशारा कर रखा हो तैयारी के लिए, जो भी उनकी रणनीति हो, लेकिन जाहिर तौर पर सारी चीजें सामने आती तो मुकाबला ज्यादा समझ में आता कि किस तरफ जा रहा है। अब बीजेपी के सारे कैंडिडेट सामने आ गए हैं, कांग्रेस के मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे, और फिर कांग्रेस में ऐसा भी होता है कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी कई बार कैंडिडेट तय होते हैं, तो इसका निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो भाजपा को इस वक्त इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उनके कैंडिडेट तय हो गए हैं। तो और कांग्रेस को या उसके कैंडिडेट को जाहिर तौर पर तैयारी करने के लिए थोड़ा कम वक्त मिलेगा, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव जो है ये जो है चूंकि एक बड़े क्षेत्र के हिसाब से इसको पूरा प्लान करना होता है, तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए था कि उसको पहले घोषित करती। अब दूसरी बात यह है कि संगठन के स्तर पर क्या तैयारियां हैं, तो ये कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने अपना मिशन बहुत टफ बना के रखा है इस बार, उसे 29 सीटें जीतने का उसने अपना मिशन बनाया है। कांग्रेस के पास समस्या यह है कि कांग्रेस को अपनी एक सीट बचानी है प्लस उसको कुछ चीजें सीटें और जोड़नी है, तो कांग्रेस के पास एक आशावाद ये कहा जा सकता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसकी लोकसभा क्षेत्रवार यदि मतों का प्रतिशत या मतों की संख्या देखी जाए तो 4 से 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा मत मिले, तो कांग्रेस का आशावाद वो हो सकता है कि उन सीटों पर वो ज्यादा फोकस करे। तो अगर कांग्रेस के पास पुख्ता तैयारी होती तो उन सारी सीटों पर वो कम से कम पहले उम्मीदवार घोषित कर देती जहां पर उसको विधानसभा में लीड मिली थी। तो अब ये चीजें, अब जब चीजें सामने आएंगी तब होगा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो चुनाव है ये अभी पिछले कुछ समय से साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ऐसी कोई लहरों की जो बात हो रही थी या जिस तरह की थी वो अब लगभग लगभग थमती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हो सके ये चुनाव जो है
बेसिक मुद्दों पर लौट कर आ रहा है और यही मुद्दे जो हैं चुनाव में मुखर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है अनंत तारण जी। अनंत तारण जी, बीजेपी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है, कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। अनंत तारण जी, हेलो, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हेलो, आवाज आ रही है जी? अनंत तारण जी, देखिए कांग्रेस उन सब मुद्दों पर रखेगी जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में, जो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात की थी, जो उन्होंने 15 लाख काला धन उन्होंने बोला था, महंगाई चरम सीमा पर है। आज हालात ये है कि ये जो मुद्दे थे वो चुनाव के बाद कहते हैं कि जो सुबह पे थे, अब कौन सी मोदी गारंटी, कौन सा मोदी मैजिक, इंडिया साइनिंग भी हम और आपने सबने देखा था कि प्रेस उसकी धक्की होनी। आज भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी करती है 400 बार की, वो केवल केवल और केवल संघर्ष कर रही है कि हमारी जो 300 सीट अच्छी वही आ जाए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिलेगा इस देश में, क्योंकि अब जनता जान चुकी है, इनकी कलाएं खुल चुकी है, मुद्दों अब सब चले गए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, सब मुद्दे हो गए, क्योंकि किसी भी सरकार का काम रहता है सब काम करना, जनता के सुख करना, तो आज वो सब चीजें नहीं, रोजगार है नहीं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि ये सब चीजें हैं कब, आज आज तो सब चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। और एक बात और है, तीनों बाल कितने साफ हो जाते जो भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, विपक्ष में आप बैठे हैं, आप आवाज उठाइए ना, विपक्ष की भूमिका होती है आवाज उठाना, उठा रहे हैं ना, बराबर उठा रहे हैं, लेकिन आज ये हालात है कि मीडिया को इतना डरा दिया है, इतना धमका दिया है, पूरी मीडिया नहीं डरी, मीडिया अपना काम सही से कर रही है। अनंत तारण जी देखिए देखिए मीडिया आप जैसे समझदार आप अपना ठीक रहे, किसी और के सिर फोड़ रहे हैं, मैंने विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। अरे आप जैसे समझदार बुद्धिमान है कितने मीडिया में, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन मैं तो आप सबको प्रणाम करता हूँ जो बातों को गंभीरता के साथ रखते हैं और हर बात को गंभीरता से रखते हैं, तो उन सबको प्रणाम करता हूँ कि आज इस कंडीशन में, और जो लोग जो मीडिया, आपने देखा होगा मीडिया के कितने बड़े बड़े पत्रकारों ने छोड़ दिया अपने ऑफिसों को और आज वो सेल्फ लॉन्चिंग करने लगे, ये सब चीजें जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जाएंगे? लोकसभा चुनाव है आगामी, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दमदारी के साथ लड़ेगी, इंडिया गठबंधन की विजय होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी नेपथ्य मुद्दे क्या रहेंगे? गठबंधन की सरकार आप कह रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दों यही सब है, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कहाँ है, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात की थी वो कहाँ है, 15 लाख रुपए की बात की थी वो कहाँ है, किसानों की आय की बात करी थी दुगना वो कहाँ है, और जो डीजल पेट्रोल के लिए सिलेंडर लेके हाथ में घूमती थी स्मृति ईरानी, अब तो स्मृति ईरानी का ही पता नहीं है कहाँ है, वो सिलेंडर जो 400 रुपए में तकलीफ महंगा दिखता था आज 1150 को गया, कम करते करते 800 कुछ में कर दिया, तो ये जो चुनाव आ रहा है तो कम हो गया, तो चुनाव के बाद बड़े आएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश की जनता ने देखा है भोगा है, और आज जो बातें करते हैं जी, ये जो सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं तो लोगों को ऊंट के मुंह में जीने जैसी है, तो आज किसानों को किस तरह से क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किसानों की आय दुगुनी करने वाले, आज किसान परेशान है, आज किसान पूरे देश का आंदोलन रहते हैं, आज व्यापारी परेशान है, व्यापारियों की दुकान पर ग्राहक नहीं है, तो आज कैसा देश का हालत बना रखा, बेरोजगारी चरम सीमा पर, बेटियों की बातें कर रहे हैं, गारंटी की बात, सिंह यादव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मध्य प्रदेश में, अनंत तारण जी रुकना चाहूंगा, अजय सिंह यादव जी आप कहते हैं मोदी की गारंटी है, जो भी योजनाएं चालू की थी चल रही हैं और जो भी वादे किए वो पूरे किए, किसानों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, किसान आज आंदोलन कर रहा है, किसान आज परेशान है, अब बेरोजगारी की बात, कांग्रेस लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाती है कि जब से बीजेपी आई है बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। देखिए कांग्रेस पार्टी इस समय अप्रासंगिक हो गई है, जो कहीं भी जमीनी सच्चाई के आसपास नहीं है और ना उन्हें कहीं अता पता है, जिस तरह से देश की चहुमुखी विकास हुआ है वो इन्हें दिखाई नहीं देता, वो विकास कहां पर है वो विकास बता दीजिए, जो चहुमुखी विकास जनता देखना चाहती है। बिल्कुल बता रहा हूँ, देखिए देश में पहले सरकारें काम करती थी तो एक सरकार योजना चालू करती थी और 20 साल बाद की सरकारें उस योजना का फीता काटती थी, आज मोदी जी की सरकार में नया पार्लियामेंट भवन 3 साल के अंदर बनके तैयार हो गया, बंबई में 20,000 करोड़ का अटल सेतु समुद्र के ऊपर केवल 3 साल के अंदर बनके काम करने लगा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का मंदिर 2 साल के अंदर बनके तैयार हुआ, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जिस तरह के काम हुए, और रोजगार की बात करती है कांग्रेस पार्टी,
व्यक्ति, देश में 2014 तक केवल 300 स्टार्टअप होते थे, आज देश में लाखों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोग रोजगार पा भी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे भी रहे, मेड इन इंडिया का कंसेप्ट आज देश में। कृषि कानून वापस लेते वक्त किसानों से जो वादे किए थे आपकी सरकार ने, वो वादे पूरे क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, किसानों को विश्वास है कि उनके लिए जो भी, किसानों को विश्वास कहाँ है? विश्वास होता तो किसान आंदोलन नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, आपको पता है। देखिए, चुनाव दर चुनाव किसानों का जो समर्थन मिल रहा है वो किसानों का विश्वास दिखाता है। कुछ अराजक तत्व अलग तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अजय जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो अराजक तत्व है? बिल्कुल नहीं है, किसान मोदी सरकार के साथ है। किसान तो साथ है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं अजय जी? किसान जब साथ है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन नहीं कर रहे, देश का किसान। तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? अजय सिंह जी, जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव दर चुनाव जिस तरह से किसानों का समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव जीते हैं तो क्या वो बिना किसानों के जीत गए? तो इस तरह के दावों से स्पष्ट दिखाई देता है कि किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। किसानों के नाम पर भ्रम फैलाने वाले 50 साल तक सरकार में रहे, उन्होंने कोई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू नहीं करी, कभी किसानों को मूल्य देने की कोशिश नहीं करी। मैंने आपसे कहा कि 2014 से और 24 में गेहूं का समर्थन मूल्य दुगना हो गया, तो क्या ये किसानों को राहत नहीं मिल रही है? लेकिन कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है, कहते हैं गैस सिलेंडर के दाम 450 से 800 हो गए, वाजपेयी जी की सरकार में तो 250 रुपए होते थे। तो ये समय के साथ जो बढ़ने वाली चीजें हैं उनको आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता जानती है पर कैपिटा इनकम जो 20,000-25,000 होती थी आज वो 1,20,000 तक पर कैपिटा इनकम पहुंच गई है। तो ये देश की तरक्की है, सर्वांगीण विकास में कांग्रेस साथ नहीं देना चाहती है, और कहते हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ठुकराने वाली पार्टी जनता के बीच में किस मुंह से जाना चाहती है? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ठुकराने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। आर्टिकल 370 भी इस देश के लिए मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये मुद्दे नहीं है, यही देश के लिए जनता के मुद्दे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में इस कदर पतझड़ चल रही है, और मैं आपके चैनल पे पूरी गंभीरता से दावे से कह रहा हूं, कांग्रेस उम्मीदवार इसलिए घोषित नहीं कर पा रही है कि उम्मीदवार मिल नहीं रहे। इनके अरुणोदय चौबे, विशाल पटेल और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी उम्मीदवार थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बिल्कुल दावे से बोल रहा हूं, अजय जी रोकना चाहूंगा, आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? बीजेपी कांग्रेस दोनों में कितना फर्क देखने को मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव मुझे लगता है कि इस बार कुछ मुद्दे बदले हैं, कांग्रेस ने भी अपने चुनाव लड़ने के कुछ तरीके बदले हैं। पिछली बार जो चुनाव था उसमें सीधे सीधे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को टारगेट पे लिया था और बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने लाए गए थे जिनको लेकर फिर बहुत बहस हुई और कोर्टबाजी हुई, सारी चीजें रहीं। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस का बीजेपी जो है चुनाव प्रचार में निश्चित तौर पर अपनी 10 साल की सरकार की उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, जिनको उपलब्धि मानते हैं, उसको लेकर सामने है। उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी रखा है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, खासतौर पर भी सीए वाला मामला आया है, राम मंदिर की चीजें हैं, तो ये जो है इस बार चुनाव में एक नया तेवर इन मुद्दों से जुड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास जो है खास बात यह है कि कांग्रेस चुनाव के एन वक्त पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है, तो ये इसको लेकर कई सवाल होते हैं, कई बार बातें होती हैं कि कांग्रेस को रणनीति बनानी चाहिए और वो यात्रा कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव के ऐलान के पहले ही एक बड़े क्षेत्र में अपनी जनसंपर्क का या प्रचार का अभियान चला रही है इसके जरिए, तो ये जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं काम करेगी। और कांग्रेस अगर अपने मुद्दों को, रणनीति को थोड़ा सा व्यवस्थित बनाएगी और लोगों की भावनाओं को समझ के लड़े चुनाव में मैदान में अपनी चीजें सामने लाएगी, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव जो है पिछले चुनाव से, और हर चुनाव वैसे भी अलग अलग होता है, तो चुनाव अलग होगा। कांग्रेस ने एक चीज और भी की है जिसको देखा जाना चाहिए कि उन्होंने युवाओं को गारंटी दी है बेरोजगारी के मामले पर, जिसमें उन्होंने पहली नौकरी पक्की ऐसा कुछ उन्होंने स्लोगन भी दिया है, तो वो एक मुद्दा है
जो यूथ है, जो जो चूंकि भारत इस समय जो है युवाओं का सबसे बड़ा देश कहलाता है बाकी दुनिया में, तो ये एक मुद्दा है जो लोगों को टच कर सकता है। दूसरा, उन्होंने महिलाओं की गारंटी के लिए भी कल एक 5 गारंटी दी है, तो महिलाओं को गारंटी के मुद्दे पे भाजपा और उसकी कई सरकारें लंबे समय से सफलता प्राप्त कर रही है, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, सफलता भी मिल रही है। तो ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बेसिक और बुनियाद से जुड़े हुए मामले हैं, यदि इस पर चुनाव होता है, बीजेपी भी इस चुनाव ऐसे इस तरह चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी इन मुद्दों पर लड़ती है जो समाज की जरूरत है, तो चुनाव पिछले चुनाव से अलग तो है ही, दिलचस्प ज्यादा होगा। जी अनंत तारण जी है कांग्रेस प्रवक्ता। अनंत तारण जी, बीजेपी कह रही कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे इसलिए नामों का ऐलान नहीं कर पा रहे। हमने 10 प्रत्याशी जी दी है और 10 में हमारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे, देख लेना आप, लिखना इस बात को, कम से कम आधी सीटें जीतेगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मिशन 29 कर रही है। आपने बोला है कि 10 में से 8 प्रत्याशी हमारे जीतेंगे, बाकी जो 2 प्रत्याशी हारेंगे क्या उनके नाम भी सामने हैं? ऐसा है, आपने ऐसी बातें बोल दी उचित नहीं। नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं हमारे 10 प्रत्याशी मैदान में जिसमें 8 प्रत्याशी जीतेंगे, बाकी बचे तो क्या करेंगे? मतलब मैं ये बोलूं कि मेरे 10 ही प्रत्याशी जीतेंगे भाई, हम जितने अगर हमारे 29 प्रत्याशी होंगे 29 में हम आधे कम से कम आधे सीट जीतेंगे जी। ये हम आपसे वायदा कर रहे हैं, आपके चैनल पे वायदा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पे है, जो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में तो बहुत झगड़े पट चल रहे हैं, जो जो इनने प्रत्याशी घोषित किए उसमें जब विधायक लोग नाराज हैं, लेकिन आज ये हालात है कि बोल नहीं पा रहे, बोल इसलिए नहीं पा रहे कि मोदी और अमित शाह के अलावा वहां किसी की चलती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत बदतर होती जा रही है और निश्चित रूप से क्यों नहीं होना चाहिए, जब आप गद्दारों को लेकर आओगे और आप जो बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, आज तो आपने कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी, अब तो भाजपा के मंच पे भाजपा की डिबेटों में कांग्रेस के लोग दिखने लगे और बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तो आज ये हालत कर ली भाजपा ने अपनी, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन अपना लिया। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ता तो अब दिखते नहीं, अब तो वो कार्यकर्ता दिखते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी उस पार्टी से मात्र पार्टी से जिस पार्टी से उनके पूर्वज तक जुड़े रहे, उनके बाप दादा जुड़े रहे, सब कुछ लिया और सब कुछ मिला उन्हें और सम्मान बिरामान मिला और इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, अगर 10 लोग होंगे तो 10 में 6-7-8 तो कांग्रेस ही दिखेंगे, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई, लेकिन इन सब बातों से कांग्रेस को अंतर नहीं पड़ता। अनंत तारण जी, बीजेपी कह रही है मोदी जब से आए हैं और निश्चित योजना जितनी चल रही है देश में वो योजना जनता तक सीधे पहुंच रही है, आपका जब कार्यकाल था कांग्रेस जब सत्ता में थी तब जनता तक योजना का लाभ पहुंच ही नहीं पाया था। कांग्रेस ने हमेशा जनता के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्यधारा में शामिल करने की बात की है। कांग्रेस हमेशा जो बोलती है वो करती है। अगर हमने कमलनाथ जी ने वायदा किया था कि हम 55 लाख किसानों को कर्जे माफ करेंगे, तो आपने देखा होगा 27 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ किए, ये शायद संसार का एक सबसे बड़ा अनुभव उपयोग हुआ था। और आपने ये भी देखा होगा कि हम और करते लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, खरों का व्यापार हुआ किस तरह से हो रहा है और इसके बाद वो पूरे देश में चलता रहा और हो रहा है लगातार। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई है, जो चार चेहरे तक चेहरे की बातें करती थी, जो दूसरी पार्टी लाइन से हटके आज बात करती थी, वो तो सब उन सबकी लोगों की आस्पद बन गई है जो जो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके जो जो भ्रष्टाचार करके जो एक बहुत बड़े स्कैंडल करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो बिल्कुल टेनोपाल की तरह साफ हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र बना लिया। किसी स्तर पर पहुंच जाती हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता जमीनी सच्चाइयों से जुड़े इसलिए अनंकल बातचीत करते हैं। अगर आपसे मैं पूछता हूँ 10 उम्मीदवारों में एक भी महिला को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 6 महिलाओं को टिकट दिया, 20% से ज्यादा टिकट दिए, तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को और सख्त स्पर्शी काम करती, कांग्रेस पार्टी केवल जुमलेबाजी करती। आप कहते हैं कि नेताओं को डराने धमकाने से शामिल होते हैं, 3 महीने पहले जब बताइए तो कैसे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे, 4 महीने पहले जब आपने भ्रम फैलाया था कि आपकी सरकार बन रही है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़े पैमाने से ज्वाइनिंग करवाते थे,
तो इस तरह की झूठ बोलने से सत्य नहीं बदलेंगे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता के बीच में आप प्रासंगिक हो गए। जनता के लिए जो भगवान समय का अभाव है उस पार्टी में समय का अभाव रुकना चाहूंगा। जयसिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी थे, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार थे और अजय सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता थे। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों 50-50 का टारगेट अपना रही है। बीजेपी 50 नए चेहरों को मौका दे रही तो 50 पुराने चेहरों पर भी दाव खेल रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किससे जीत मिलती है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।